बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीसीएनपी राउट के लेक्चर नंबर 29 के साथ आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और जी हां, मुझे पता है कि आपको पिछले एक महीने से कोई लेक्चर नहीं मिला, कोई लेक्चर अपडेट नहीं हुआ सीसीएनपी राउट का। हमारी एकेडमी उर्दू आईटी एकेडमी पिछले एक महीने से छुट्टियों पर थी, बल्कि एक महीने से ज्यादा का अर्सा हो गया आपको सीसीएनपी राउट का कोई लेक्चर नहीं रिसीव हुआ। सॉरी फ्रॉम माई साइड, कुछ चीजें पेंडिंग थी, मैं किसी कुछ प्रोजेक्ट्स में बिजी था, इसलिए रिकॉर्डिंग जो है वो नहीं कर सका। बट देयर इट इज, वी आर देयर, एंड फाइनली हमारा जो सी सी एन पी राउट का आखिरी टॉपिक वो हम आज शुरू करेंगे। और इस टॉपिक पे हम दो या तीन, मैक्सिमम थ्री, बट आई ट्राई के दो लेक्चर्स के अंदर सारा टाई अप हो जाए। अगर ना हो सका तो मैक्सिमम थ्री लेक्चर्स तक हम जाएंगे, एंड देन उसके बाद हम अपने सी सी एन पी राउट को रैप अप करेंगे। एंड देन हमारा जो अगला जो स्टेप होगा वो हम शुरू करेंगे। तो लेट्स गो फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। आज का हमारा टॉपिक है IPv6। यस, IPv6 वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, जो आज से कुछ अर्सा पहले लोग समझते थे कि यस IPv6 आ गया है और IPv6 की वजह से सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब सर्विस प्रोवाइडर जो है वो नए IP एड्रेसेस डिप्लॉय करेंगे, सब ऑर्गेनाइजेशन इंटरप्राइजेस को सारा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, अपनी IP एड्रेसिंग की स्कीम चेंज करनी पड़ेगी, और IPv6 इतने सारे एड्रेसेस इसमें अवेलेबल हैं, एवरीबॉडी वॉज एक्साइटेड। बट देन सडनली वी हैव अदर कॉन्सेप्ट्स, लाइक कुछ और चीजें ऐसी आ गई, कुछ और टेक्नोलॉजीज ऐसी आ गई जिन्होंने IPv6 की जो ट्रांजिशन थी वो बहुत स्लो कर दी। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे अहम रोल अदा किया, वो किया नेट ने। अब नेट क्या करता था कि बेसिकली आप एक आईपी एड्रेस यूज करके, एक पब्लिक आईपी एड्रेस यूज करके, सिंगल /32 को यूज करके, आप एक पूरे ऑफिस में लेट्स से 100 यूजर्स भी अगर आपके पास हैं तो आप उनको इंटरनेट पे कम्युनिकेट करवा सकते थे। आपको उन 100 यूजर के लिए सेपरेट से पब्लिक आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट जो थी वो नेट ने खत्म कर दी। वेल, आई शुड से पैट ने खत्म कर दी, क्योंकि पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन जो है वो एडवांसमेंट है ऑफ नेट, अनदर स्टेप ऑफ नेट। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम ये रही कि जब नई ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप हो रही हैं या जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को और ग्रो कर रही हैं, तो उनके लिए जो पब्लिक आईपी एड्रेस रेंज की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही है। इसलिए हमारे पास स्टैंडर्ड तो काफी अर्से से बना हुआ है, IPv6 का स्टैंडर्ड इज देयर फॉर लॉन्ग टाइम, लेकिन हम अभी तक उसे उस तरह से यूज नहीं कर रहे। और उसकी मेन रीजन यही है कि हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं टू गेट अराउंड IPv6, कि हमें IPv6 कुछ अर्से के लिए ना ही यूज करना पड़े, बिकॉज वी आर सो यूज्ड टू IPv4। हम इतने यूज्ड हो चुके हैं उससे कि हम एक शिफ्ट नहीं चाह रहे इस वक्त। बट फाइनली द डे विल कम जब आपका सर्विस प्रोवाइडर ये कहेगा कि भाई सॉरी, अब आपको IPv4 एड्रेस जो है वो नहीं मिलेगा। बल्कि कुछ रीजन्स में ऐसा शुरू भी हो चुका है, आई बिलीव इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अमेरिका में काफ़ी सारे रीजन्स हैं जहाँ पे अगर आप अभी सर्विस प्रोवाइडर के पास जाते हैं और आप कहते हैं कि मुझे पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए, तो उनके पास कोई IPv4 एड्रेस स्पेस बची नहीं है, वो आपको IPv6 एड्रेस ही देंगे। तो ऑलरेडी एड्रेस की इतनी शॉर्टेज है, और कुछ साल पहले IPv6 का एक था, एक पर्टिकुलर दिन रखा था सर्विस प्रोवाइडर ने, जब उन्होंने कहा कि हम इस दिन IPv6 एनेबल करेंगे, और IPv6 हम अपना इंटरनल नेटवर्क सारे का सारा वो IPv6 पे रन करेंगे। तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ने वो अपना सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर IPv6 पे अभी भी रन कर रहे हैं, एंड इट गोज ऑन। आई मीन अभी भी डे बाय डे डिफरेंट कंपनीज IPv6 में रिवर्ट हो रही है, बट इट विल टेक टाइम। आई डोंट नो हाउ मच, 5 years, 10 years, 15 years, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, बट इट विल इवेंचुअली हैपन बिकॉज ऑफ
शॉर्टेज ऑफ एड्रेस स्पेस। सो ये तो एक बैकग्राउंड था जिसका जो हमने देखा कि व्हाई डू वी इवन नीड आईपी, अनदर वर्जन ऑफ आईपी, क्या हमारे लिए वर्जन 4 से काम नहीं चल सकता था क्योंकि उनकी एड्रेस शॉर्टेज थी, इसलिए हमें एक और वर्जन चाहिए था जिसकी एड्रेस स्पेस बहुत ज्यादा हो, और इसलिए एक अनदर स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस कराया गया विच इज IPv6। तो देखते हैं, लेट्स सी व्हाट इज IPv6, इसका एड्रेस कैसे दिखता है और इसका इसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सब चीजें हम अपने इस लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में IPv6 के नहीं जाऊंगा क्योंकि आप में से बहुत से लोग आई बिलीव के CCNA बैकग्राउंड से आए हैं या CCNA करके आए हैं, चाहे उन्होंने उर्दू IT Academy से किया है या नहीं किया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन CCNA में IPv6 का इंट्रोडक्शन और IPv6 के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि IPv6 क्या है और IPv6 कैसे काम करता है, और आई बिलीव कुछ एक राउटिंग प्रोटोकॉल भी आपको दिखाया जाता है कि उस पे IPv6 रन करना हो तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन वाइज वो कैसा, उसकी कॉन्फ़िग क्या क्या होती है। तो हम हमारे इस CCNP राउट के करिकुलम में कोई बहुत ज्यादा एडिशन नहीं है, प्रिटी मच जो ही जो कुछ आपने CCNA राउटिंग स्विचिंग में पढ़ा था उससे शायद कुछ एक दो चीजें ज्यादा हो। समझ लें कि अगर आपने CCNA में IPv6 का अगर सिर्फ रिप की कॉन्फ़िगरेशन देखी थी तो CCNP राउट में आपको AIGRP और OSPF की कॉन्फ़िग जो है कि नेबर कैसे डिस्कवर होता है, कैसे फॉर्म होता है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो उसमें थोड़ा बहुत एडिशन है बट नथिंग मेजर। इसलिए अगर आपको IPv6 का बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है तो आप CCNA के ही लेक्चर्स पे जाके दोबारा उसको रिवाइज कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं आपको IPv6 के बारे में बताऊँ कि व्हाट इज IPv6, उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसेस कौन से होते हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, और फिर हम एक लैब करेंगे और उस लैब के अंदर हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स को एनेबल करके देखेंगे कि IPv6 में कैसे राउटिंग प्रोटोकॉल्स चलते हैं और कैसे इफेक्ट होता है। तो दैट्स अबाउट इट, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद IPv6। सबसे पहले वेल व्हाट इज IPv6, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ IP प्रोटोकॉल। इससे पहले हमारे पास वर्जन 4 था, अभी हमारे पास वर्जन 6 है और इसकी हम पूरी स्टोरी अभी बयान कर चुके हैं कि हमें IPv के नए वर्जन की जरूरत क्यों पड़ी या हमें क्यों उसका नया वर्जन चाहिए। तो मोर देन 3 बिलियन इंटरनेट यूजर्स इस वक्त हमारे पास इंटरनेट पे हैं जो पब्लिकली पब्लिक IP एड्रेसेस यूज कर रहे हैं। मैं वाइट बोर्ड वर्ण का लू साथ में, मुझे उसकी जरूरत पड़ सकती है। तो ओके, सो अनदर थिंग इज शॉर्टेज ऑफ IPv4 एड्रेसेस, जो कि हम अभी जिक्र कर चुके हैं कि हमारे पास IPv4 एड्रेसेस की शॉर्टेज है, लेकिन हम उस शॉर्टेज को किसी तरह ओवरकम कर रहे हैं नेट या पैट के जरिए, और इस तरह से हम जो है इस वक्त IPv4 को हम उसकी यूजिबिलिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं। बट इवेंचुअली द डे विल कम जब आपका सर्विस प्रोवाइडर कहेगा कि भाई सॉरी IPv4 वी डोंट हैव इट एनीमोर, अब आपको IPv6 से ही काम चलाना पड़ेगा और आपको पूरे का पूरा अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो IPv6 पे शिफ्ट करना पड़ेगा। इट विल टेक टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा ये सब कुछ होने में, बट इवेंचुअली इट विल हैपन। अनदर गुड थिंग अबाउट IPv6 के उसमें बहुत सारे फीचर्स उनको बिल्ट इन कर दिया गया है, लाइक IPsec। IPsec को IPv6 के अंदर बिल्ट इन कर दिया गया, प्रोटोकॉल इज हैज अ कैपेसिटी, उसके अंदर कैपेबिलिटी डाल दी गई है IPsec एनेबल करने की। तो बट अगेन अब मैं कोई बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा कि वो एनेबल कैसे होता है और वो क्या क्या स्टेप्स हैं, बट आप इतना समझे कि IPv6 का जो फॉर्मेट है उसके अंदर IPsec बिल्ट इन है। इसी तरह जो IPv6 का जो IP हेडर है वो बहुत ज्यादा सिंपल है देन IPv4, जो कि अभी हम आगे देखेंगे कि क्या फर्क क्या है। तो फर्क यहाँ पे आता है कि जैसे
हमारे पास ये देखें कि वर्जन की जो फील्ड है वो एग्जैक्टली सेम है, दोनों में मौजूद है। देन वी हैव अ ट्रैफिक क्लॉज एंड अ फ्लो लेबल। अब यहाँ पे हमारे पास टाइप ऑफ सर्विस है जो कि हमारे पास IPv6 में ट्रैफिक क्लॉज से रिप्रेजेंट होती है। देन देयर इज अ टोटल लेंथ जो कि IPv6 में नहीं है हमारे पास। आइडेंटिफिकेशन, देन अदर फ्लैग्स या फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट IPv6 में, ये इनमें से कुछ चीजें जो है वो पेलोड लेंथ के अंदर डाल दी गई हैं, जिसमें ये टोटल लेंथ भी शामिल की जाती है। इसी तरह IPv6 में नेक्स्ट हेडर और हॉप लिमिट के फील्ड्स रहती हैं, एंड दैट्स अबाउट इट। उसके बाद सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस, दैट्स इट। IPv6 का हेडर हेडर जो है वो इधर खत्म हो जाता है, जबकि आपके पास IPv4 हेडर में टाइम टू लिव, प्रोटोकॉल, हेडर चेकसम, ऑप्शंस की फील्ड या पैडिंग की फील्ड्स, देयर आर लॉट मोर अदर फील्ड्स जो कि IPv6 के हेडर के अंदर खत्म कर दी गई है, क्योंकि उनकी जरूरत IPv6 के अंदर कहीं ना कहीं नहीं महसूस हुई। कि हम इवन IPv4 में वो चीजें यूज बहुत कम करते हैं, तो वाई बॉदर कि हम IPv6 के हेडर को भी इतना लंबा करें। ऑलरेडी उसका जो एड्रेस है वो काफी लेंथी एड्रेस है, तो देर वॉज नो नीड कि उसका हेडर को भी और लेंथी करें और आपके जो ओवरऑल जो ओवरहेड है आपके पैकेट्स का वो इंक्रीज हो जाए। तो देर वॉज अ रिक्वायरमेंट कि इन ओवरहेड को कम से कम रखा जाए। अब अगर आप एक नया प्रोटोकॉल डिजाइन कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि पिछले प्रोटोकॉल में क्या कमी थी और पिछले प्रोटोकॉल में क्या चीज ऐड की जा सकती थी या क्या निकाली जा सकती थी। तो अब आप नए प्रोटोकॉल के डिजाइन में वो चीज को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और आप उसको एज मिनिमाइज करेंगे और एज टू द पॉइंट रखेंगे एज पॉसिबल। सो IPv6 की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? एडिंग एड्रेस साइज मूव फ्रॉम 32 बिट, जो कि IPv4 का साइज है 32 बिट्स, यानी कि द नंबर ऑफ बिट्स कैन बी 0 और 1 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो देयर आर 32 बिट्स इन IPv4, एंड इन IPv6 देयर आर 128 बिट्स, यानी दीज सेम थिंग्स यू काउंट 128 टाइम्स एंड दैट विल बी योर IPv6 एड्रेस। तो बहुत लंबा एड्रेस होता है, बहुत लंबी, अगेन नॉट रिप्रेजेंटेशन वाइज, वी हम देखेंगे कि रिप्रेजेंट करने में उसे कैसे मिनिमाइज किया जाता है, बट व्हेन आई एम टॉकिंग बिट्स, आई एम टॉकिंग, जब मैं बाइनरी की बात करता हूँ तो बाइनरी के अंदर उस IPv6 एड्रेस की जो लेंथ है इज मच मोर देन IPv4। एड्रेसेस टोटल कितने हैं हमें IPv6 में? रफली अबाउट दीज मैनी। अब मैंने ये काउंट नहीं किया, दैट आई विल लीव इट टू यू, क्या आप इसे खुद से काउंट करें, खुद से बैठे और काउंट करें ये कितना नंबर बनता है, बट इट्स अ ह्यूज नंबर। ये कहना कि IPv6 कभी खत्म नहीं होगा, किसी हद तक सही है, बट अगेन कभी खत्म नहीं होगा तो नहीं कह सकते, कभी ना कभी तो ये नंबर है, फिनिट नंबर है, इनफिनिट नहीं है, तो खत्म तो होगा, बट विल टेक लॉन्ग लॉन्ग टाइम। आई मीन इतने ज्यादा एड्रेसेस हमारे पास अब अवेलेबल हैं कि अब हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इनको यूज करने में। एंड देन नाउ वी कम टू द पॉइंट के जो एक्चुअल IPv6 का आईपी एड्रेस होता है वो कैसे दिखता कैसे है, और उसको उसकी बाइनरी फॉर्मेट और उसके एक्चुअल ग्रुप्स कैसे होते हैं। तो एक्चुअल IPv6 के एड्रेस में 8 ग्रुप्स बने होते हैं। सो 4 डिजिट्स का, आई एम नॉट टॉकिंग बाइनरी एट द मोमेंट, मैं सिर्फ आपको डेसिमल फॉर्म में बता रहा हूँ। डेसिमल फॉर्म में 4 डिजिट्स का एक ग्रुप और 8 डिफरेंट ग्रुप है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब आप इसमें से हर एक ग्रुप के इन 4 डेसिमल डिजिट्स को लेंगे और इन चारों को बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे। सो वी हैव 2, वी हैव 0, वी हैव 0, वी हैव 1।
अब टू को बाइनरी में रिप्रेजेंट करिए, इनमें से हर एक डिजिट ये चार बाइनरी बिट्स को रिप्रेजेंट करता है, हर एक डेसिमल डिजिट। सो ये जो टू है ये चार बाइनरी डिजिट्स को आइडेंटिफाई करता है। तो चार बाइनरी डिजिट्स, अब हमारे पास हमारी वो जो बाइनरी का टेबल था वो क्या था, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128। अब इसमें से पहले चार बिट्स कौन से हैं, ये वाला। सो व्हाट वी हैव हियर इज, चार बिट्स हैं तो टू को, ये हैं आपके पास बिट्स चार, तो टू को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, विल बी 0, 0, 1 एंड 0। सो दैट्स एग्जैक्टली, विल पुट हियर 0, 0, 1, 0। दिस इज द बाइनरी फॉर्म ऑफ टू। उसके बाद जीरो की बाइनरी फॉर्म क्या रहेगी, अगेन 0 एक डिजिट है और ये कितने बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 बिट्स को। तो ये आप जीरो, सो इनका जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो 0, 0, 0, 0। उसके बाद वी हैव नेक्स्ट 0, 0, 0, 0, 0, सेम थिंग। और देन फाइनली वी हैव 1, 1, अगेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 बिट्स। सो 0, 0, 0, 1 एंड दीज आर फोर। सो ये सिर्फ 2, 0, 0, 1 का, ये जो एक ग्रुप था हमारे पास चार डेसिमल नंबर का, उसकी बिट्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी के अंदर रिप्रेजेंटेशन इस तरह रहेगी। वी हैव एवरी डेसिमल डिजिट रिप्रेजेंट 4 बाइनरी बिट्स। अब वो बाइनरी बिट्स आप खुद कैलकुलेट करेंगे कि अगर हमारे पास यहाँ पे लेट्स से होगा, फर्ज करो 6 होगा, तो उस 6 के लिए आपकी बाइनरी का जो फॉर जो टेबल है उसको यूज करते हुए वो बिट्स में कैसे रिप्रेजेंट होगा, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, बिकॉज दिस इज 1, दिस इज बाइनरी बिट 2, 4 एंड देन 8, एंड 4 एंड 2 इज 6। मैं यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से नहीं शुरू करूंगा कि भाई बाइनरी क्या होती है और बिट्स क्या होती है और ये बाइनरी का ये जो टेबल है 1, 2, 4, 8 ये क्या होता है। अगर उस आपको उसका आइडिया नहीं है तो फिर आप यू शुड गो बैक टू द सब नेटिंग, और सब नेटिंग आपको पढ़ के फिर यहाँ पे आना चाहिए कि ये बिट्स क्या होते हैं और बाइनरी क्या चीज़ है और हेक्साडेसिमल क्या चीज़ है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक IPv6 की रिप्रेजेंटेशन के बारे में बता रहा हूँ कि वो हर एक डिजिट जो है IPv6 एड्रेस के अंदर वो 4 बिट्स को रिप्रेजेंट करता है, और वो 4 बिट्स आपकी फर्स्ट 4 बिट्स हैं ऑफ द बाइनरी टेबल। सो 1, 2, 4 एंड 8, और जो भी आपके पास IPv6 में एक नंबर होगा उसको आप बाइनरी में 4 बिट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्योंकि हमारे पास एड्रेसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं, तो ये जो चार डिफरेंट हमने बिट्स यहाँ पे बात की, इन चार बिट के लिए कितने हमारे पास कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। सो वी हैव, ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है 0, 0, 0, 0, देन वी कैन हैव 0, 0, 0, 1, देन वी कैन हैव 0, 0, 1, 0, देन वी कैन हैव 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1। सो ये हमारे पास सारे कॉम्बिनेशन हैं जो हम अपने इन चार बिट से बना सकते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि जब आप इनको रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल के अंदर, सो 9 तो फाइन है, आप 9 तक तो जा सकते हैं, एक डिजिट है, पर देन जब आपको उसे लिखना पड़ता है तो आप एक डिजिट से ज्यादा तो उसे नहीं लिख सकेंगे। तो उसके लिए व्हाट वी हैव डन, तो मतलब अगर आपने यहाँ 2 की जगह, यू कांट से 10, बिकॉज इस 2 की जगह डिजिट एक ही होगा, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, इट हैज टू बी 1 डिजिट जो 4 डिफरेंट बिट्स को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जब 9 के बाद ये टोटल आपकी बाइनरी बनती है 9, 9 के बाद आपके पास जो डिजिट आता है दैट्स 10। अब अगर आपके पास बाइनरी कुछ इस तरह से है 1, 0, 1, 0, ठीक है, अब उसमें क्या है, यू हैव बाइनरी बिट 1, 2, 4 एंड 8, तो इसका टोटल कितना बनता है, 8
प्लस टू टेन। अब अगर आपके पास IPv6 का जो फर्स्ट डिजिट है, जो डेसिमल डिजिट है, उसकी बाइनरी फॉर्मेशन ये है, तो यू कैन से 10 एंड देन अनदर 3 डिजिट, क्योंकि फिर उस तरह से आपके पास ये 5 डिजिट बन जाते हैं। आपके पास जो ग्रुप है वो हमेशा 4 डिजिट्स का ही रहेगा। 4 डिजिट्स का मतलब है कि हर एक जो मेंबर है उस ग्रुप का वो 4 बिट्स को रिप्रेजेंट करता है और उसे सिंगल एक डिजिट फॉर्मेट में ही दिखाना है। बट प्रॉब्लम इज कि अगर आपकी जो काउंटिंग है बाइनरी के ये 4 बिट्स की वो 9 से ऊपर हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे? देन दे कम अप विद दिस हेक्स टेबल। व्हाई डोंट वी यूज हेक्साडेसिमल टेबल? उसमें क्या होता है कि 9 के बाद देन यू स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स ए, सो यू हैव ए बी सी डी ई एंड एफ। एफ तक ही जाता है क्योंकि हमारे पास यहां तक ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है बाइनरी बिट्स का, इन 4 बाइनरी बिट्स का। इस टेबल के अंदर आपके पास कॉम्बिनेशन है बाइनरी बिट्स का, इससे बाहर नहीं हो सकते। ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमने मेंशन कर दिए। और हेक्साडेसिमल में 9 के बाद यू विल जंप टू ए एंड देन गो टू अप टू एफ। और डेसिमल में रिप्रेजेंटेशन यू फाइन, यू कैन से 15 और 10, जो भी आपकी एडिशन आती है दैट्स फाइन। लेकिन ये बात यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि ये जो आपकी आपने यहाँ पे ये जो ईच डिजिट है दैट्स नॉट डेसिमल। मैं पहले डेसिमल यूज कर रहा था आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि लेट्स जस्ट से दिस इज डेसिमल, तो बट इट्स एक्चुअली नॉट डेसिमल, ये हेक्साडेसिमल डिजिट है। तो ये जो आप यहाँ पे डिजिट देख रहे हैं, लेट्स से ये ए जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेसिमल 10 को, और उनकी जो उसकी बिट्स की जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो होगी 1010। इसी तरह बी जो है उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है 11 एंड बी की बाइनरी बिट्स रिप्रेजेंटेशन होगी 1011। तो हमारे पास ये जो IPv6 का पूरे का पूरा ये जो एड्रेस है ये हेक्साडेसिमल डिजिट्स के अंदर लिखा गया है, ये डेसिमल डिजिट्स के अंदर नहीं लिखा गया। सो ये समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये ना समझें कि हम यहाँ पे ये डेसिमल कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने डेसिमल किया तो फिर तो आप, अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन आता है तो फिर तो आप 10 लिखेंगे ना, आप ए नहीं लिखेंगे, तो फिर आपके पास ये जो ग्रुप है वो हो जाएगा 0 10 B4। नहीं, आई मीन फिर आपके पास ये हेक्साडेसिमल में आ जाता है, तो आप इसे इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये जो आपके पास IPv6 का पूरे का पूरा एड्रेस है, इनमें से हर एक डिजिट हेक्साडेसिमल में लिखा गया है और वो सारा कॉम्बिनेशन आपको इस टेबल में दिया गया है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप ये टेबल अपने किसी अपने पास या तो सेव कर लें, या किसी कॉपी पे, या अपने किसी नोटबुक पे आप ड्रॉ कर लें, ताकि आपको आसानी हो इसमें देख के आप बता सकते हैं कि हेक्साडेसिमल ए और आई नो इज 10 डेसिमल 10 एंड बाइनरी इज 1010। सो आपको ये सारा याद करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, आप इस टेबल की तरफ हर वक्त रजू कर सकते हैं। देन वी हैव एट द बॉटम अ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो हम मैंने ये क्या किया, जस्ट टू शो यू कि ये पूरे का पूरा ये जो एड्रेस है वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है इसकी। अब वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे है कि हर एक जो हेक्साडेसिमल डिजिट है वो कितने बिट्स का है, 4 बिट्स का। तो लेट्स से वी हैव हेक्साडेसिमल डिजिट, द फर्स्ट डिजिट इज 2, तो ये 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 0010। देन वी हैव आफ्टर 2 इज 0, तो वी हैव 0000, देन अगेन 0000, देन वी हैव 1 और उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 0001। फिर उसके बाद है हमारे पास 0050, तो ये 00, देन दिस इज 50, देन वी हैव 00 ऑल द वे थ्रू, तो ये सब हमारे पास 0 है ऑल द वे टू हेयर, एंड देन वी कम टू हेयर 0 हेयर, देन वी हैव ए विच इज 10 इन डेसिमल और उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1010। देखें 1010, सो दैट्स ऑल रिटन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ IPv6 एड्रेस। और अगर आप इन सब नंबर्स को काउंट करेंगे तो यू विल हैव
128 bits. That's why our IPv6 address is 128 bits longer. अब आप कहेंगे कि सर ये तो इतना बड़ा एड्रेस, जब आप इंटरफेस पे जब टाइप करेंगे तो इतना बड़ा एड्रेस, कोई भी छोटी सी भी मिस्टेक होगी, आईपी एड्रेस आप इजीली गलत कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. तो देयर आर फ्यू वेज, जो शॉर्टकट्स कुछ हैं जिनसे आप आईपीवी एड्रेस, आईपीवी सिक्स एड्रेस को आप उसे कम करके रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप उसे छोटा लिख सकते हो. वो कौन से स्टेप्स हैं? द फर्स्ट स्टेप इज, अगर आपके पास कंजेक्टिव यानी कि एक साथ ग्रुप ऑफ जीरोस हैं, तो उनको आप दो डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको आप खत्म करके दो डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो हमने क्या किया, ये हमारे पास कंजेक्टिव ग्रुप है एक, दो और तीन. हमने इन तीनों को निकाला और इन तीनों की जगह हमने दो ये डॉट्स, फोर डॉट्स लगा दिए, एक कॉलम बना दिया. अब आप कहेंगे कि सर अब अगर हमारे पास ये एड्रेस है तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये जीरो कहाँ थे? तो ये पता ऐसे चलेगा कि पूरे के पूरे एड्रेस के अंदर ये डॉट, दो डॉट्स जो हैं, ये आप सिर्फ एक ही जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दो जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते. विच मीन्स अगर आप एक ही जगह इस्तेमाल कर सकते हैं तो वेरी सिंपल, मुझे ये पता है कि टोटल ग्रुप्स कितने हैं आईपीवी सिक्स एड्रेस के अंदर, फोर हेक्साडेसिमल डिजिट्स के कितने ग्रुप बने हैं, एट ग्रुप्स. सो वी हैव 1, 2, 3, 4, 5. कितने ग्रुप मिसिंग है? 3 ग्रुप मिसिंग है. तो दैट मींस कि ये जो मेरा कॉलम है, जो मैंने दो कॉलम लगाए हैं, दैट मींस कि मेरे जो 000 के तीन ग्रुप्स हैं जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन में मिसिंग है, जो कि मैंने लिखे नहीं है, बट मेरे ये कॉलम दे आर टेलिंग मी दैट. सो दैट्स इट. इस तरह से मुझे पता चल जाएगा कि कितने जीरो मुझे यहां पे चाहिए. आप टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स को काउंट करोगे, दैट नंबर माइनस 8, जो भी आपके पास जवाब आएगा उसको आप उस, दैट मींस कि उतने आपके जीरो के ग्रुप्स जो हैं वो वहां पे होने चाहिए थे. देन व्हाट यू कैन आल्सो डू कि आप ड्रॉप द लीडिंग जीरो. अब आपने एक काम तो कर दिया कि आपने जो कंजेक्टिव ग्रुप्स से उनको निकाल दिया और उनकी जगह ये आपने दो कॉलम लगा दिए. दूसरा आप क्या काम कर सकते हैं कि जो भी, जिस भी ग्रुप में कॉलम के फौरन बाद जीरो आ रहा है, लीडिंग जीरो इसको कहते हैं, उनको आप खत्म कर सकते हैं. तो ये दो जीरो हैं, इन दो जीरो को आप खत्म कर सकते हैं. उसके बाद ये एक जीरो है, ये जो 0AB4 है ये एक जीरो है, इस जीरो को भी आप खत्म कर सकते हैं. उसके बाद वी डोंट सी एनी जीरो, तो दैट्स इट. इसको आपको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है. सो व्हाट वी कैन हैव इज 2001:50, क्योंकि ये 00 हमने खत्म कर दिया, :: जो हमने ये ग्रुप बनाया था, और AB4:1E2B:98AA. अब अगर अगेन वेरी सिंपल टू अगेन टेल कि यहाँ पे कितने जीरो मिसिंग है, सो वी हैव 2001: यहाँ पे हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, दो. टोटल एक ग्रुप में कितने होने चाहिए, 4, विच मीन कि यहाँ पे दो जीरो जो है वो रिप्रेजेंट नहीं हुए. 00:50: अगले कितने यूनिट्स हैं हमारे पास, कितने डिजिट्स हैं, 3. कितने होने चाहिए, 4. सो 0AB4. जहां भी आप डिजिट मिसिंग देखेंगे, दैट मीन्स के उसके कॉलन के फौरन बाद जीरो हमने शॉर्टकट के लिए रिमूव किया हुआ. Obviously, राउटर को ये बात पता है, राउटर को पता है कि पीछे क्या चल रहा है. ये सिर्फ फॉर यू, जो आप फिजिकली आप उसे देख रहे हैं एड्रेस को, तो आपके लिए वो एड्रेस शॉर्ट हुआ है. इट डजंट मीन कि राउटर इटसेल्फ उसके लिए कोई शॉर्टेज है या वो उस एड्रेस को ऐसे देख रहा है. राउटर उसकी रिप्रेजेंटेशन पीछे एज अ 128 बिट ही कर रहा है, विच इज नेसेसरी फॉर द राउटर. वी हैव देन वी हैव अगेन 1E2B एंड 98AA exactly as it is. So ये तो हो गया हमारा IPv6 को रिप्रेजेंट करने का के दो शॉर्टकट्स कि आप उसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. And then we also have
टेनगॉन द सबनेट रिप्रेजेंटेशन. सो इसको कंप्लीट करते हैं, एक मिनट. 1E2B:9AA/128. सो जैसे हम IPv4 को स्लैश नोटेशन से रिप्रेजेंट करते थे, /32, इट कुड बी /30, 20/24, /8/16, इसी तरह हमारे पास जो IPv6 की नोटेशन है वो भी स्लैश के अंदर जो भी आपके बिट्स नेटवर्क के हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करते हैं. अगर आपके नेटवर्क के बिट्स यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, लेट्स से कि फर्स्ट 64 बिट्स जो हैं वो नेटवर्क के हैं, देन बाकी जो 64 बिट्स हैं वो होस्ट के हैं, तो देन यू विल से एड्रेस स्लैश इट विल बी 64, ताकि राउटर को आइडिया हो कि नेटवर्क एड्रेस कौन सा है और होस्ट एड्रेस कौन सा है. अब अगेन मुझे उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज द नेटवर्क एड्रेस एंड व्हाट इज द होस्ट एड्रेस, दैट शुड बी देयर बाय डिफॉल्ट, कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द नेटवर्क एड्रेस एंड होस्ट एड्रेस एंड देन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, और इन दोनों का सबनेटिंग से क्या लेना देना है और कैसे काम करते हैं. देन विल कम टू different types of IPv6 addresses. IPv6 addresses की कुछ different types रहती हैं. अब उन types में सबसे पहले हमारे पास unspecified address. What do I mean by unspecified? अगर हमारे पास let's say ये एक PC है, which is connected to a switch, which is connected to a router, और इस पीसी पे IPv6 एनेबल हुआ है. अब ये जब पीसी टर्न ऑन होगा, ये राउटर से कैसे कम्युनिकेट कैसे करेगा? कुछ तो होना चाहिए, बिकॉज एज यू नो डेटा जो है वो आईपी के ऊपर ट्रेवल करता है. आईपी के जो हेडर है उसके पीछे डेटा अटैक होता, उसके बगैर तो वो डेटा ट्रेवल ही नहीं कर सकता. तो बेसिकली व्हाट एक्चुअली हैपन, अगर आप यहाँ पे वायरशार्क लगा के देखें इस लिंक पे, और अगर आप पैकेट कैप्चर करके देखें, तो व्हाट यू विल सी कि द सोर्स आईपी होगा इस लैपटॉप का, जब राउटर से कम्युनिकेट कर रहा होगा या जब राउटर से अपने DHCP एड्रेस मांग रहा होगा, तो इसके पास जो एड्रेस होगा वो होगा 0000:0000:00 ऑल द वे टू 128 bits. एवरीथिंग इज जस्ट जीरो, which is a formation of एक type ऐसी रखेगी जिसे हम कहते हैं unspecified type, जिस पे एक basic communication हो सके. जब कोई PC या कोई भी network device boot up होती है, तो basic connectivity के लिए for the initial talking ये एक type रखेगी है. और इसकी जो representation है IPv6 form में is :\:128. That's the representation. इसी तरह लूपबैक आईपी एड्रेस IPv6 में वो कैसे होता है, जैसे हमें पता है कि हमारे पास IPv4 का लूपबैक एड्रेस क्या है. इफ यू गाइस नो द IPv4 लूपबैक आईपी इज 127.x.x.x, कुछ भी कोई भी नंबर आप लगा दें, दैट विल बी योर IPv4 लूपबैक आईपी. सो यू कैन हैव 127.0.0.1. So, ये एक्चुअली मशीन का इंटरनल, अपने ही इंटरनल जो उसका इंटरफेस होता है, उसका एक बेसिक कनेक्टिविटी चेक के लिए एक पूरी की पूरी एक क्लास ए का पूरी रेंज ही उसको दे रही है कि फॉर द लूपबैक टेस्टिंग. सो इफ यू, अगर आपको ये नहीं पता या नहीं सुना था आपने, तो अगर मैं अपने PC की कमांड प्रॉम्प्ट निकालूं, तो कमांड प्रॉम्प्ट में इफ आई डू पिंग 127.1.1.1, so that's fine, I can ping which is the address. ये कोई physical address नहीं है, which it all it means कि जो मेरा PC का जो network adapter है, जो ethernet adapter है, उसका जो physical connection है is all fine. ये सिर्फ उसका एक back end address उसे दे दिया गया. कोई भी address मैं इस range में डालूँ 127.2.3.3, you can ping that address, because soon you know कि ये एड्रेस 127 से स्टार्ट हो रहा है. दैट्स इट, यू नो कि ये लूपबैक आईपी है, और यू विल बी एबल टू
पिंग इट फ्रॉम योर मशीन और लैपटॉप। IPv6 में द लूपबैक आईपी इज :\1/28। सो अगर मैं सेम कमांड प्रॉम्प्ट में फॉर लूप चेन :\1 and yes, I can ping it, no problem. हमें reply आ रहा है :\1 से, which means कि ये मेरा loopback IP है, loopback address है in IPv6। और उसकी bits में formation कैसे होगी, कैसे वो represent होगा, all zeros all the way to 127th bit, और जो last bit होगा वो 1 होगा, which is this one here. That's why हमारे पास ये दो colon है, क्योंकि हमने all group of zero को represent कर दिया इन दो colon से. Then we have another type which is called global type. IPv6 में global type is similar like public addresses in IPv4. Public addresses IPv4 में क्या होता है, which are routable towards internet, जो internet की तरफ जा सकते हैं. इसी तरह IPv6 के अंदर जो global IP addresses हैं, वो दे आर द ओनली वन, सिर्फ उनको अलाउ किया गया है टू गो टूवर्ड्स इंटरनेट. सो अगर आपको इंटरनेट यूजेज चाहिए या आपने इंटरनेट की तरफ जाना है, तो उसके लिए आपको ग्लोबल एड्रेस रिक्वायर्ड है. उसके बगैर आप इंटरनेट पे किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, सर्विस प्रोवाइडर अलाउ ही नहीं करेगा आपको. उसके लिए दे आर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में जो फर्स्ट 3 बिट्स हैं IPv6 एड्रेस की, वो हमेशा ये मैच करनी चाहिए 0, 0 and 1 से. जब हमारे पास 0, 0 और 1 है, अब फर्स्ट ग्रुप में कितने बिट्स होते हैं, 4 बिट्स होते हैं, सॉरी फर्स्ट ग्रुप में कितने डिजिट्स होते हैं, 4, एंड ईच डिजिट वो कितने बाइनरी बिट्स को रिप्रेजेंट करता है, 4 बिट्स को. अब हमने यहाँ पे क्या किया कि जो पहला एक डिजिट था, लेट्स से हमारे पास ये जो आईपी एड्रेस था लेट्स से 2001, ये हमारा पहला ग्रुप है हेक्साडेसिमल का, उसमें हमने एक इस डिजिट को लिया और इसके आगे ये एक डिजिट कितने बाइनरी बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 बाइनरी बिट्स को, और इसे बाइनरी में कैसे लिखेंगे, 0010. अब ये जीरो इस वक्त यहाँ पे हमने नहीं मेंशन किया, बिकॉज हमने कहा कि ये जो 3 बिट्स हैं वो सिमिलर रहने चाहिए, 0, 0, 1 ही रहना चाहिए. अगर हम ये कहें कि मैं यहाँ पे भी ये जो फोर्थ बिट है बाइनरी का, इसके क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो ये 0 होगा या ये 1 होगा. अगर ये 0 हुआ तो इट्स इक्वल टू 2, अगर ये 1 हुआ देन वी हैव अ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज 3, बिकॉज दिस इज 1, 2, 4, 8 and 2 plus 1 is 3. That's why हमारे पास जो combination है, जो हमारे पास जो पहला digit है, वो it can either be only 2 or 3. So ये 2 से लेके 3 तक ही सिर्फ हो सकता है, इससे इसके बाद अगर गया तो that's not a global IP address. And then starting from 2000 all the way to 3FFF. ये सारे के सारे IP address. Remember, यहाँ पे मैं ये सिर्फ 3 bits की बात कर रहा हूँ जो similar होने चाहिए. बाकी 125 bits हैं आपके पास जिनको आप use कर सकते हैं differently, उनको global IP address बनाने के लिए. Until unless आपका पहला digit either is 2 or 3, that means it's a global IP address. तो अगर आपके एग्जाम में भी अगर कोई क्वेश्चन आता है कि भी tell us what is global IP address, आप बाकी IP address को पूरे को छोड़ दें, सिर्फ देखें कि पहला जो डिजिट है वो अगर वो 2 या 3 है, that's it, it's a global IP address. I hope it's making sense to you कि ये 2 और 3 कैसे आ रहा है, because पहले 3 bit बहुत जरूरी है, ये ग्लोबल होम एड्रेस होने के लिए ये 3 बिट दे आर रिक्वायर्ड, ये नेसेसरी है, इनके बगैर ग्लोबल आईपी एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो 001 हैज टू बी देयर,
एंड देन द फोर्थ बिट जो कि फोर्थ बिट इस हेक्साडेसिमल डिजिट का, दैट कैन ईदर बी जीरो, अगर वो जीरो है तो हमारा रिजल्ट टू ही रहेगा, अगर वो वन हो जाता है देन हमारा रिजल्ट जो पहला डिजिट है इट विल बिकम थ्री, बिकॉज देन यू विल हैव फर्स्ट थ्री डिजिट्स 001 एंड देन अनदर वन विच इज इक्वल टू थ्री, एंड देन ये जो बाकी डिजिट्स हैं दे कैन बी एनीथिंग, सो हेक्साडेसिमल स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो ऑल द वे टू एफ, दैट्स व्हाई स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 कॉलन कॉलन स्लैश 3 ऑल द वे टू 3FFF इट्स ऑल ग्लोबल आईपी एड्रेसेस। देन वी हैव अनदर ग्रुप कॉल्ड मल्टीकास्ट। अब आप में से शायद बहुत से लोगों ने मल्टीकास्ट सुना भी सुना ही पहली दफा हो कि व्हाट इज मल्टीकास्ट। हमारे पास जो कम्युनिकेशन है नेटवर्क के अंदर वो डिफरेंट किस्म की होती है। एक कम्युनिकेशन है कि हमारे पास यहाँ पे एक राउटर है और यहाँ पे एक हमारे पास एक ये स्विच लगा हुआ है और एक स्विच हमारे पास यहाँ पे अटैच है, और लेट्स से हमारे पास ये कुछ क्लाइंट्स हैं, लेट्स से कि यहाँ पे एक हमारे पास पीसी लगा हुआ है PC1, यहाँ पे एक हमारे पास पीसी लगा हुआ है PC2, एंड देन व्हाट वी हैव हियर एग्जैक्टली सेम सेटअप, हमारे पास यहाँ पे PC1 है एंड देन हमारे पास PC2 यहाँ पे। अब हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स की कम्युनिकेशन यहाँ पे हो सकती है। एक कम्युनिकेशन हमारे पास हो सकती है कि भाई ये PC1 ये दूसरे PC1 से बात कर रहा है या PC2 से बात कर रहा है, यानी कि सिर्फ सिंगल PC टू सिंगल PC कम्युनिकेशन है, विच इज कॉल्ड अ यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। एंड देन वी हैव अनदर कम्युनिकेशन जो कि हमारे पास ये मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन है। उसमें क्या होता है कि एक हमारे पास सर्वर होता है, लेट्स से दिस पीसी इज अ सर्वर, जो अपने अंदर कुछ फीड या कुछ वीडियो फीड होगी या कुछ भी किसी भी किस्म का, लेट्स से एक सॉफ्टवेयर है जो ये रिलीज कर रहा है या इसके ऊपर उसका एक सॉफ्टवेयर की कॉपी पड़ी है, और ये बाकी सब पीसीज को वो सॉफ्टवेयर डिलीवर कर रहा है। तो इट कैन बी कि ये पीसी ये सर्वर जो है वो दूसरी साइड के PC1 और PC2 को वो सॉफ्टवेयर डिलीवर कर रहा है। दैट इज मल्टीकास्ट, विच इज वन टू मेनी कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे हमारे पास वन इसलिए कि वन सर्वर है, मेनी इसलिए क्योंकि मोर देन वन पीसीज आर इन्वॉल्व। और जो यूनिकास्ट कम्युनिकेशन होती है वो है वन टू वन कम्युनिकेशन के दोनों साइड पे एक ही डिवाइस इन्वॉल्व है, जैसा यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। अब हमारे पास अगर आपको थोड़ा सा IPv4 की हिस्ट्री में जाएं तो IPv4 में भी हमारे पास मल्टीकास्ट एड्रेसेस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 224 टू 232 आई बिलीव, जो हमारे पास पूरी रेंज है वो मल्टीकास्ट की है। इसी तरह IPv6 के अंदर मल्टीकास्ट एड्रेसेस जो हैं दे ऑलवेज हैव द फर्स्ट 8 बिट्स जो हैं दे इट विल ऑलवेज बी 1111 1111, इट विल ऑलवेज बी दैट। अब उसकी जो IPv6 में जो रिप्रेजेंटेशन है विच इज FF00। अब FF ये जो दो डिजिट्स है हमारे पास, दिस इज 1F एंड दिस इज 1F, बिकॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फोर वंस इज व्हाट, सो यू हैव 1 2 4 एंड 8, 8 एंड 4 इज 12, 13 14 एंड 15, एंड 15 इन हेक्साडेसिमल इज एफ, देन अगेन 1111 इज एफ। सो अंटिल अनलेस आपके दो पहले डिजिट्स वो स्टार्ट हो रहे हैं एफ एफ से, दैट्स इट, दैट्स योर मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस। दैट्स व्हाई ये /8 मींस स्लैश 8 जो पहले 8 बिट्स हैं वो मैच करने चाहिए, बाकी बिट्स कुछ भी हो सकते हैं। सो अगर आपके पास 10 डिफरेंट आईपी एड्रेसेस आप देख रहे हैं IPv6 के, और उन 10 डिफरेंट आईपीज में 2 आईपीज जो हैं वो FF से स्टार्ट हो रहे हैं, सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड, दोज आर मल्टीकास्ट आईपी एड्रेसेस। अब वो किस मकसद के लिए यूज हो रहे हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो उस डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे कि देर आर सम मल्टीकास्ट एड्रेसेस। जैसे कि हमें हम IPv4 कम्युनिकेशन में देखते हैं कि हमारे पास EIGRP हेलोज के लिए कुछ मल्टीकास्ट आईपी एड्रेसेस हैं,
2 to 4 रेंज के अंदर, OSPF के लिए हमारे पास हैं, हमारे पास 2 to 4.0.0.5, 2 to 4.0.0.6, ये IPv4 में एज IPv4 मल्टीकास्ट एड्रेस यूज होते हैं ऑन फॉर OSPF कम्युनिकेशन। इस तरह 2 to 4.0.0.10 यूज होता है। इसी तरह जो IPv6 के अंदर जो राउटिंग प्रोटोकॉल की जो कम्युनिकेशन होती है यूजिंग मल्टीकास्ट आईपी, इट विल वो जो मल्टीकास्ट आईपी एड्रेसेस रहेंगे वो दे विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम FF। देन देयर इज अनदर वन व्हिच इज अ इंटरेस्टिंग वन एक्चुअली, इट्स कॉल्ड अ लिंक लोकल एड्रेस। और मैं आपको बताऊं कि मैं जब नेटवर्किंग में आई वाज वेरी न्यू, आई गॉट वेरी कंफ्यूज्ड ऑलवेज विद लिंक लोकल एड्रेस के, यार ये क्या चीज है। एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जो लिंक लोकल एड्रेस की वजह से काफी कंफ्यूज रहते हैं कि ये लिंक लोकल एड्रेस क्या चीज है, आई मीन डोंट गेट द आइडिया। हमारे पास IPv4 में प्राइवेट एड्रेस आईपी एड्रेसेस का एक कॉन्सेप्ट है। सो वी हैव अ 10 रेंज, 10.0.0.0 all the way to 10.255.255.255, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा ऑलरेडी। अब where do we use this 10 range, कहाँ पे हम ये इस्तेमाल करते हैं, क्या हम ये इस्तेमाल करते हैं ऑन द इंटरनेट, नहीं पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज उसके लिए तो पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए। ये 10 की रेंज हम इस्तेमाल करते हैं, सो इफ यू हैव अ सेटअप लाइक दिस, let's say we have a router here, we have a switch here, we have a switch here, we have a switch here, and ये trunk links बने हुए हैं और यहाँ पे ये router से attached है और यहाँ पे ये different pieces लगे हुए हैं और ये router जो है ये internet से connected है, the big internet। अब यहाँ पे जो ये रेंज हमारे पास रहेगी वो रहेगी मोस्टली पब्लिक आईपी एड्रेसेस बिकॉज इंटरनेट पे जाना है आपने, और ये जो रेंज रहेगी ये रहेगी आपके पास प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। अब प्राइवेट आईपी एड्रेसेस में भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पास क्योंकि ये स्विचेस लगे हुए हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये प्राइवेट आईपी एड्रेसेस तो हैं बट इट्स ऑल वन सबनेट एज वेल, वन सबनेट, ये कोई डिफरेंट सबनेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये जो पीसीज हैं वो डिफरेंट सबनेट के अंदर है, ये जो पीसीज हैं वो डिफरेंट सबनेट के अंदर है और ये जो पीसीज हैं वो डिफरेंट सबनेट के अंदर है, ऐसी मैं बात नहीं कर रहा। मैं एक बिल्कुल सिंपल सेटअप की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ये सारे पीसीज जो है ये एक ही सबनेट के अंदर है। लेट्स से वी हैव 10.1.1.0/24 एंड देन दिस पीसी हैज /1.2.3.4.5.6। सो इस तरह से हमारे पास प्राइवेट आईपी एड्रेसेस का कॉन्सेप्ट रहता है ऑन IPv4 एड्रेसेस। सिमिलरली जब IPv6 में जब ये डिजाइन किया जा रहा था तो इसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया कि जब आप किसी इंटरफेस के ऊपर IPv6 को इनेबल करते हैं तो ये लिंक अपना प्राइवेट आईपी एड्रेस खुद ही कॉन्फ़िगर कर लेता है, ये खुद ही एक अपना IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेता है, उस अपने आप को एक IPv6 एड्रेस दे देता है, आपको खुद जाके कॉन्फ़िगर करने की उस एड्रेस को जरूरत नहीं रहती। बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि वो जो आपका एड्रेस है वो एक प्राइवेट एड्रेस है, उसे आप एज अ लैन एड्रेस तो यूज कर सकते हैं लेकिन इंटरनेट पे जाने के लिए आप यूज नहीं कर सकते, उसके लिए फिर आपको एक स्पेसिफिक आईपी इसको देना पड़ेगा। तो उस आईपी जो खुद कॉन्फ़िगर करता है प्राइवेट आईपी इन IPv6 इज कॉल्ड लिंक लोकल एड्रेस। अब इससे सिंपल मैं आपको नहीं समझा सकता था कि इससे सिंपल मैं क्या करूं। द ओनली डिफरेंस इज इन IPv4 आप खुद लिंक के अंदर जाते थे और कॉन्फ़िगर करते थे भी आईपी एड्रेस 10.1.1.1/24 या कुछ भी रेंज हो। IPv6 के अंदर द लिंक लोकल एड्रेस द प्राइवेट एड्रेस इज सेल्फ कॉन्फ़िगर। अब आप कहेंगे कि सर फिर ये कैसे होगा कि फर्ज करो व्हाट अबाउट कि अगर इस डिवाइस ने और इस डिवाइस ने अपने आप को सेम ही एड्रेस प्राइवेट आईपी एड्रेस दे दिया तो क्या होगा।
नहीं, दैट वुड नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि IPV6 के अंदर कुछ मैकेनिज्म थोड़े डिफरेंट डिजाइन किए गए हैं। जब IPV6 अपने अंदर अपना लिंक लोकल एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रहा होता है, तो सबसे पहले तो वो नेबर डिस्कवरी करता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड ND, कॉल्ड नेबर डिस्कवरी, नेबर सोलिसिटेशन, जिससे वो ये देखता है कि जो मैं एड्रेस अपने लिए यूटिलाइज कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, क्या वो एड्रेस मेरे नेबर में से किसी के पास अभी फिलहाल है तो नहीं, या किसी मेरी लोकल लैंड के अंदर जो जो मेरे वन सब मेरे ही सबनेट में आए, जो मेरे ही रेंज के अंदर आए, उस में से किसी ने ये एड्रेस यूज तो नहीं किया हुआ। अगर उसे किसी भी दूसरी तरफ से उसे रिप्लाई ये मिलता है कि हाँ मैंने यूज किया हुआ, तो वो फिर उसको यूज नहीं करता। बट ऐसा मोस्ट लाइकली नहीं होता कि मतलब मोस्टली यही होता है कि जो वो एड्रेस से जो साइन करता है, वो अपने आप को वो क्या करता है कि वो नेबर डिस्कवरी से नेबर से पूछता है कि भाई किसी के पास ये एड्रेस नहीं है। नेबर उसे कहता है कि नहीं, हमें से किसी के पास नहीं है, एंड दैट्स अबाउट इट। वो अपने आप को वो एड्रेस असाइन कर देता है। वो एड्रेसेस क्या होते हैं? दे ऑलवेज स्टार्ट विथ FE80, FE80। अब FE80 मीन्स 4 bits here, 4 bits here, 4 bits here and 4 bits here. This is slash 10. और ये 4 4 4 4 टोटल हमारे पास कितने बनते हैं? 16 bits exactly. लेकिन the requirement is कि जो first 10 bits हैं वो similar रहने चाहिए, then it will be a link local address. So first 10 bits mean 4, 4, 8 and then 2 is equal to 10. Ab ye 1, 1, 1, 1 which is F. Then you have 1, 1, 1, 0 which in decimal how much? 9. And 9 ki hexadecimal representation kya hogi? E. And then you have टू मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स जो के इम्पोर्टेंट बिट्स हैं, और इन दो का क्या बनेगा बिट्स का? 4 bits टोटल, तो वैसे ग्रुप के अंदर 4 bits होते हैं। सो यू हैव इन बाइनरी टेबल या 1 2 4 and 8, सो दिस इज 8। तो ये 2 bit हमने लिखे नहीं है क्योंकि 10 bits जो है वो इम्पोर्टेंट हैं, उनको उनको आप चेंज नहीं कर सकते। दे हैव टू बी 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0, they have to be like that. So ये हमारे पास टोटल आएगा 8, और 8 की hexadecimal representation is 8, and then rest can be anything else, which means कि ये जो पहले 3 hexadecimal digits हैं they have to match, rest can be anything else. अगर पहले 3 digits FE8 होते हैं, that's it, it's a linked local IP address. So it's a categorization जो आपको जहन में रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि कितने बिट्स होते हैं, कितने डेसिमल बिट्स मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, और कितने टोटल ग्रुप मिलके एक IPv6 एड्रेस बनाते हैं, और ये हेक्साडेसिमल का टेबल क्या है, ये थोड़ा बहुत आपको जहन में रखना पड़ेगा। बट अगेन इफ यू फॉरगेट इट, और अगर आपके पास इसकी कॉपी, आपने ये किस कहीं पे नोट डाउन किया हुआ, यू कैन ऑलवेज गो बैक टू इट एंड ऑलवेज फिगर आउट कि वो क्या है। यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट ऑल द टाइम्स, बट अगेन अगर आप कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अगर आप चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये कैसे रिप्रेजेंट की हुई है और कैसे काम करती है, दैट्स ऑल इट मैटर्स के आप एटलीस्ट उस चीज को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। सो होपफुली हमने जो बेसिक्स IPv6 के हैं वो थोड़े से कवर करने की कोशिश की है अपने इस लेक्चर में, और होपफुली आपको काफी हद तक IPv6 अगर आपके लिए बिल्कुल नया है तो आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि IPv6 एड्रेस क्या है, क्यों हमें IPv6 की जरूरत पड़ी, उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, कितने बिट्स का होता है, उसकी कितनी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, अनस्पेसिफाइड IP एड्रेस क्या होता है, लूपबैक IP, ग्लोबल IP, मल्टीकास्ट IP एंड लिंक लोकल IP ये क्या होते हैं। सो हम अपने लेक्चर को यहाँ पे रैप अप करेंगे। अगेन
विल सी आगे हमारे कितने लेक्चर लगते हैं IPv6 के ऊपर। आगे आई विल स्ट्रेट ऑन जंप टू द लैब, हम अपने राउटर्स के अंदर देखेंगे कि IPv6 को कैसे कंफिगर करते हैं और मुख्तलिफ डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स को कैसे IPv6 एनेबल किया जाता है। एंड देन उसके बाद हम अपने इस पूरे सीरीज को रैप अप करेंगे। सो फॉर थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट जो आपने अभी तक हमें दी। जस्ट कीप गिविंग अस योर सपोर्ट एंड कीप शेयरिंग। मैं ऑलवेज रिक्वेस्टेड यू कि आप इस प्लेटफॉर्म को शेयर करें एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुंच सके। ये जो हम एक पूरा सिलसिला हमने शुरू किया है वो ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदेमंद हो सके। तो प्लीज कीप शेयरिंग इट, कीप गिविंग अस द गुड फीडबैक, और दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।